यहाँ पे हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो ये फर्स्ट टर्म है 4x2 इसका कोफिशियंट लेते हैं, ठीक है। 4x2 का कोफिशियंट क्या है, ये है 4, और इसकी जो लास्ट टर्म है हमारे पास 1, इन दोनों का निकालते हैं प्रोडक्ट, तो 4 × 1 ये हमारे पास आ गया 4। अभी क्या करना है, जो ये हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसको ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिससे कि उन दोनों फैक्टर का जो मल्टीप्लाई है हमारे पास वो कितना आए, 4 आए, और एडिशन उन दोनों फैक्टर्स का कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए इसकी मिडिल टर्म के इक्वल, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म का जो कोफिशियंट है उसके इक्वल आना चाहिए, वो क्या है, वो है हमारे पास 5, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 1, तो 4 × 1 हमारे पास क्या बनेगा, 4 बनेगा, एंड 4 + 1 का जो हमारे पास एडिशन है वो कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास ये आ गए, तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी जो लास्ट टर्म है उसको हम एज इट इज राइट कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से 4x², ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस 1, 5x को हम ब्रेक कर लेते हैं किसमें, 4x और 1x में, ठीक है, जिसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म की और यहाँ पे लास्ट 2 टर्म की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो हम 4 ले लेंगे और यहाँ पे है हमारे पास क्या, x, ठीक है, क्या ले लेंगे यहाँ पे, 4 और x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब 4x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना, x, और यहाँ पे बचेगा पूरा अगर 4x बाहर आ जाता है तो 1। इसके बाद इसमें देखते हैं तो प्लस, यहां से हम 1 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इन 4 टर्म की हमारे पास 2 टर्म आ चुकी है, इनमें हमारे पास क्या कॉमन दिख रहा है, ये एक्स प्लस 1, तो इसको हम ऐसे कॉमन राइट कर देते हैं यहाँ पे, ये है एक्स प्लस 1। इससे जब x प्लस 1 यहाँ पे बाहर आ गया तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 4x, एंड यहाँ से x प्लस 1 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा ओनली 1। तो 4x² + 5x + 1 के जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास वो होंगे x प्लस 1 × 4x + 1।